नमस्कार, दृष्टि आईएएस के ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम जिस ऑर्गेनाइजेशन की चर्चा करेंगे उसका नाम आईसीआरसी है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले इसके बारे में। इसका पूरा नाम इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस है। इसकी स्थापना 1863 में हुई थी। इसके संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट थे और इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। आइए जानते हैं इसके मिशन के बारे में। आईसीआरसी एक स्वतंत्र तटस्थ संगठन है जो युद्ध और सशस्त्र हिंसा के पीड़ितों के लिए मानवीय सुरक्षा और सहायता सुनिश्चित करता है। यह संस्था दुनिया भर में उन कानूनों को बढ़ावा देती है जो युद्ध पीड़ितों की रक्षा करते हैं। आईसीआरसी मानवीय कानून और सार्वभौमिक मानवीय सिद्धांतों को बढ़ावा देने और मजबूत करने के साथ मानवीय पीड़ा को रोकने का भी प्रयास करता है। आइए जानते हैं इसके मौलिक सिद्धांत के बारे में। आईसीआरसी के 7 मौलिक सिद्धांत हैं: मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वतंत्रता, स्वैच्छिक सेवा, एकता और सार्वभौमिकता। ये 7 सिद्धांत रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट आंदोलन के काम के लिए एक नैतिक, परिचालनीय और संस्थागत ढांचा प्रदान करते हैं। इन सिद्धांतों का पालन आंदोलन के कार्यों की मानवीय प्रकृति को सुनिश्चित करता है और दुनिया भर में इसके द्वारा की जाने वाली गतिविधियों की व्यापक श्रेणियों में स्थिरता लाता है। आइए जानते हैं इसकी संरचना के बारे में। आईसीआरसी एक असेंबली काउंसिल, सहायक निकाय जिसे कुछ प्रत्यायोजित शक्तियां प्राप्त हैं, और एक निदेशालय द्वारा शासित होता है। दोनों असेंबली में स्विस राष्ट्रीयता प्राप्त अधिकतम 25 चयनित सदस्य होते हैं। इसके वर्तमान अध्यक्ष पीटर मोरर हैं। आइए जानते हैं इसके वित्त और बजट के बारे में। आईसीआरसी को मुख्य रूप से सार्वजनिक और निजी दाताओं, सरकारों और राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटी से मिले स्वैच्छिक दान द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष आईसीआरसी अपने मुख्यालय में अपनी अनुमानित लागत को कवर करने के लिए अपील करता है, साथ ही क्षेत्र में जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त अपील भी करता है। यह संस्था अपनी वार्षिक रिपोर्ट में अपने काम और खर्च का हिसाब भी रखती है। आइए जानते हैं इंटरनेशनल रेड क्रॉस एवं रेड क्रिसेंट के बारे में। इंटरनेशनल रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मूवमेंट दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय नेटवर्क है। इसका मिशन मानव पीड़ा को कम करना, जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा करना और मानवीय गरिमा को बनाए रखना है, खासकर सशस्त्र संघर्षों और अन्य आपात स्थितियों के दौरान। तो ये था हमारा आज का ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम में किसी नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। शुक्रिया।